फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी नीचे आगे क्वेश्चन आएंगे उनके जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको फिल करना है, उनको भरना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स भरने के बाद होते हैं। जूम करके एक एक को देख लेते हैं। तो ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द एक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड एंड द ऑर्डर इन विच द एक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एन और ए। मतलब वो एक कोई प्रोसीजर है, वो प्रणाली जिसमें एक समस्या को हल किया जाता है और जो भी एक्शंस दिए गए उनको किया जाता है, पूरा किया जाता है, एक क्रम में पूरा किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें कि एक कर्मचारी सुबह बेड से उठने के बाद में, बिस्तर से निकलने के बाद में ऑफिस तक कैसे जाता है? तो गेट आउट ऑफ बेड, पहली स्टेप बिस्तर छोड़ता है, उसके बाद में जो भी वस्त्र हैं उनको बदलता है, शावर लेता है, नहाता है, ऑफिस की ड्रेस पहनता है, ब्रेकफास्ट करता है और जो भी वाहन है उसके साथ अपने ऑफिस के लिए निकल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाइंग द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो भी हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं उनका, उनको किस क्रम में एग्जीक्यूट करना है, किस क्रम में उनको काम में लेना है, ये डिसाइड करने को क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफाई करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्राम कंट्रोल। प्रोग्राम कंट्रोल, इसमें जैसे ये दो हमने एल्गोरिथम लिस्ट थी, उसमें कुछ चेंजेस देखे थे, स्टेप 3 और 4 को इंटरचेंज कर दिया था, तो ये एल्गोरिथम ऑर्डर गड़बड़ा गया था इस एल्गोरिथम का। तो इसमें हमने बात की कि एल्गोरिथम में ऑर्डर का भी बहुत महत्व होता है, क्रम, किस क्रम में हम ये काम कर रहे हैं उसका बहुत महत्व होता है और इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 3 types ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो भी प्रोग्राम हैं वो 3 तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स के रूप में लिखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। मतलब अनुक्रम क्या है, किसके बाद किस तरह से करना है और कितनी बार रिपीट करना है, किस तरह से रिपीट करना है। एग्जांपल हम इसके बाद में देखेंगे, ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट 1 action व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर एक्शन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सा है जो किसी कंडीशन के सत्य होने पर एक एक्शन लेता है और उसके असत्य होने पर कोई दूसरा एक्शन लेता है, ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऐसा सिलेक्शन स्टेटमेंट है इफ एल्स। इसका एग्जांपल लें तो ये बाईं तरफ एक फ्लो चार्ट दिया है, दाईं तरफ उसका प्रोग्राम दिया है, जिसमें फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं एक एक्शन लिया है, ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यदि ग्रेड की वैल्यू 50 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो ये सत्य होगा और प्रिंट होगा पास्ड, यदि ग्रेड की वैल्यू 50 से कम है तो प्रिंट होगा फेल्ड। प्रोग्राम लिखा है, यदि ये कंडीशन यस सत्य है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा है प्रिंट पास्ट, मतलब पास्ट प्रिंट कर देगा, ये असत्य है तो फेल्ड प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्राम में देखें तो इफ एल्स में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ब्रेसेज आर कॉल्ड। कुछ स्टेटमेंट्स को हम मजल कोष्टक में बंद कर देते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? आंसर है कंपाउंड स्टेटमेंट और ब्लॉक। उनको या तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कई स्टेटमेंट्स का समाहार, या उसको ब्लॉक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वही पिछले एग्जाम्पल से इफ एल्स उठाएं तो यहाँ एल्स के बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और यहाँ बंद हो गया है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट हैं,
जैसे फेल्ड यू हैव टू रिपीट इट, तो ये हो गया एक ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटेशन स्टेटमेंट स्पेसिफाइज दैट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली व्हाइल सम कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो ऐसा रिपीटेशन स्टेटमेंट, जो पुनरावर्ती स्टेटमेंट कौन सा है, जो कोई कंडीशन है जो जब तक वो कंडीशन सत्य होती है तब तक वो रिपीट होता रहे, वो उसकी पुनरावर्ती करता रहे, वो एक एक्शन को बार बार लेता रहे, या एक से ज़्यादा जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हमने दिया ब्लॉक में जो लिखा है उसको रिपीट करता रहे। आंसर है व्हाइल। ये फ्लो चार्ट और प्रोग्राम के रूप में इसका एग्जांपल है व्हाइल। इसमें जैसे हमने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10, तो यदि कंडीशन ट्रू है तो कुछ कैलकुलेशंस करेगा, एन की वैल्यू प्रिंट करेगा और वापस से रिपीट करने चला जाएगा, और इस तरह से ये आई की वैल्यू इंक्रीज होके जब तक 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, असत्य नहीं हो जाती, तब तक ये रिपीट करता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी, राउंड द राउंड चलता रहेगा। यदि इसी को प्रोग्राम के रूप में देखें तो ये व्हाइल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड। जो भी एक इंस्ट्रक्शंस का समुच्चय है वो कुछ फिक्स टाइम, मतलब हमने कह दिया जैसे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 10 बार या 20 बार, उतनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे काउंटर कंट्रोल्ड और डेफिनेट रिपीटेशन। मतलब यहाँ नंबर फिक्स कर दिया है कितनी बार रिपीटेशन होना है, तो उसको काउंटर कंट्रोल्ड, मतलब काउंट हम कुछ कर रहे हैं उससे कंट्रोल कर रहे हैं, या डेफिनेट निश्चित पुनरावृत्ति कहेंगे। एग्जांपल देखें तो यहाँ पर काउंटर, जैसे पिछले एग्जाम्पल में लिखा था काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ आगे हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू जब तक 10 हो जाती है तब तक रिपीट होगा, उसके बाद में नहीं होगा, और व्हाइल के अंदर हम उस तरह किसी काउंट पे कंडीशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट्स नॉट नोन इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी रिपीटेड, ए वैल्यू कैन बी यूज टू टर्मिनेट द रिपीटेशन। जब हमें पहले से नहीं पता होता कि स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है तो हम किसी एक वैल्यू से उसको टर्मिनेट करते हैं, उस वैल्यू को क्या कहेंगे या उसको क्या कहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट एंड को, तो आंसर है सेंटेंस, सेंसिनल या सेंटिनल, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। इसका एग्जांपल लें, जैसे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें ये एक सेंसिनल जो है वैल्यू जो है वो यूजर द्वारा इनपुट की जाएगी या कैलकुलेशन में आ जाएगी। यहाँ हमने जो लिखा वो यूजर द्वारा इनपुट की जाएगी, जैसे रीड नम ग्रेड, ये ग्रेड की कोई ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो इसका यहाँ पर जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, फॉल्स कहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये एक अगेन इन्फिनिटी लूप है। इसका प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में हम यहाँ ग्रेड रीड किए हैं बाहर, अंदर ग्रेड पे कंडीशन डाल दी और हर बार ग्रेड को रीड कर रहे हैं। अब ग्रेड की वैल्यू जब तक -1 नहीं होगी तब तक ये रिपीटेशन लूप चलता रहेगा। क्वेश्चन है प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्राम लिखना है या सी प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं जिनमें एक कोई वेरिएबल एक्स उसमें एक ऐड हो जाए, 1 ऐड हो जाए, एक जुड़ जाए, मतलब इसको चार तरीके से लिखना है। ओ तो इसके लिए हम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, प्लस प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्लस लिख सकते हैं।